क्वेश्चन नंबर 21, अ लीनियर चार्ज हैविंग चार्ज डेंसिटी लैम्डा पेनिट्रेट्स अ क्यूब डायगोनली एंड देन इट पेनिट्रेट्स अ स्फीयर डायमेट्रिकली एज शोन, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द क्यूब एंड स्फीयर। अब देखिए, क्योंकि ये जो रॉड है लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो डायगोनली ओपोजिट वर्टिसेस से क्रॉस हो रही है, तो इस बार हम सीधा डायगोनल की लेंथ लेंगे, यानी कि यहां से इस जगह तक की लेंथ लेंगे हम लोग, इस जगह तक की, पॉइंट ए से बी तक के लिए। नाउ दिस इज ए, दिस इज एज ए, इसकी लेंथ फाइंड करने के लिए दिस विल बी योर ए रूट टू, अगेन दिस इज ए, तो दिस बिकम्स अ ट्राइंगल ए बी और ये सी, तो ट्राइंगल ए बी सी में दिस लेंथ ए बी विल बिकम द हाइपोटेनस, और जब हम इसकी लेंथ को कैलकुलेट करते हैं तो इसकी लेंथ आ जाती है ए रूट थ्री, राइट, ये ए रूट थ्री आ जाएगी। तो फ्लक्स, यहां पे हम सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, फ्लक्स ड्यू टू क्यूब विल बी क्यू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, वो और वो कितना होगा, क्यू इनक्लोज कितना होगा, ए रूट थ्री लेंथ इंटू चार्ज डेंसिटी लैम्डा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ फॉर स्फीयर, ये डायमीटर की लेंथ हो जाएगी, तो स्फीयर के केस में क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये टू ए लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इन दोनों का अगर मैं रेशियो लेता हूं तो फाइ क्यूब टू फाइ स्फीयर, तो आप देख सकते हैं आपके पास क्या चीज आएगी, दोनों का रेशियो ले रहे हैं, तो दिस विल बी योर रूट थ्री बाई टू। ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, ये लेंथ फाइंड करनी है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, ए रूट थ्री लेंगे या क्या लेंगे, ठीक है, दिस इज